हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ पे कमीशन से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट, दैट इज़ रिलेटेड टू मिनिमम सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं सेवेंथ पे कमीशन के, लेकिन अभी तक जो है पीपल आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर एक्चुअल डिमांड थी, जो कि मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए। उसी से रिलेटेड इस अपडेट में हम बात करेंगे, जो लेटेस्ट जो है अपडेट है, और इसको आप जो है यू कैन चेक इट इन डिफरेंट न्यूज़ चैनल ऑल्सो। जो भी आप न्यूज़ देखते हैं, जो भी आप न्यूज़ यूट्यूब में चेक करते हैं, उसको ज़रूर आप कंफर्म किया कीजिए, जिससे कि यू ऑलवेज गेट द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट अपडेट की। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट। एज यू ऑल नो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर स्टिल वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ टाइम फॉर देयर मिनिमम सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर। जो मिनिमम सैलरी थ्री और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने के लिए जो काफ़ी टाइम से बात चल रही है, वो अभी तक जो है 26,000 जो है मिनिमम सैलरी और 3.68 के लिए कहा जा रहा है, बट देर वॉज नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। अभी तक तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था, लेकिन अभी जो कल की खबर है, जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है सेवन्थ पे कमीशन से, उसमें जो है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से आ रहा है, वो ये आ रहा है कि नाउ द गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू वर्क ऑन द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उसके ऊपर अब काम किया जाएगा, और वो भी द गुड न्यूज़ इज़ दैट इन द नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग दिस ऑल पॉइंट्स विल बी डिस्कस्ड। जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें ये सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर वुड प्रेफर टू प्लीज लोअर रंग एम्प्लॉयज मोर देन मिडिल रंग स्टाफ। द मिनिमम बेसिक से ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एज पर द सेवेंथ पे कमीशन वॉज 18,000 अप फ्रॉम ₹7,000 बेस्ड ऑन द फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57। नाउ बट एम्प्लॉयज दैट केम अंडर लेवल 1 to 5 सी ए सैलरी हाइक ₹21,000। तो बेसिकली जो है, जो लोअर जिनकी सैलरी कम है, उनके लिए जो है जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू जिनकी सैलरी ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर है, अभी 2.57 से बढ़ाने की बात की जा रही है, कितना की जा रही है दैट इज़ नॉट क्लियर। जो भी चीज़ें वॉट एवर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज़ सेड, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने बताया, वो उसके अकॉर्डिंग यही बताया कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो है जिनकी लोअर सैलरी है उनके ऊपर ज़्यादा काम करेंगे पहले, उसके बाद से मिडिल पे। और दूसरी बात यह है कि दोनों के दोनों मिनिमम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो कि दैट विल बी डिस्कस इन द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में उसको डिस्कस किया जाएगा, कितना बढ़ाना है दैट इज़ नॉट नोन, वो अभी बात नहीं है। बट ये है कि देर इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़ कि इन द कमिंग कैबिनेट मीटिंग, अभी जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें जो है ये फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप भी अपने सेवन्थ पे कमीशन से रिलेटेड अपने कोई भी सुझाव ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।